तेलंगाना में आज मंगल की शाम अवामी नुमाइंदों के एक ग्रुप ने मेडिगड्डा बैरेज का मुआयना किया, जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। तेलंगाना के विद्राला रेवंत रेड्डी, वुद्रा उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, टी नागेश्वर राव के साथ कई वुद्रा एमएलए, एमएलसी, सीपीआईएम एमएलए सांबा शिवा राव और एलजी से त्याज मुस्लिमीन के अवामी नुमाइंदों ने प्रोजेक्ट के मुतासर इलाके का मुआयना किया। बीआरएस और बीजेपी के अरकान इस सफर से दूर रहे। आज मंगल की सुबह बसों से असेंबली से निकले अवामी नुमाइंदे सहपहर 3 बजे मेडिगुड्डा पहुंचे। सातवें ब्लॉक के घाटों की जांच की गई, जो बैरेज में बुनियादी तौर पर तबाह हुए थे। अहदेदारों ने सीएम रेवंत रेड्डी और वुद्रा को प्रोजेक्ट की सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर वज्र आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पिछली हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो तेलंगाना के आवाम की मेहनत से बनाया गया था, केसीआर के पैसों की प्यास का शिकार हो गया। सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि 97,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी 97,000 एकड़ अराजी को सैराब नहीं किया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केसीआर, जिन्होंने कहा कि उन्होंने डिजाइन से लेकर प्रोजेक्ट की तामीर तक सब कुछ किया है, वो कई महीनों से मेडिगड्डा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत.com।